इस समय हम गाजीपुर में खड़े हुए हैं, दिल्ली के गाजीपुर इलाके में, जो पूर्वी दिल्ली में आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो खत्ता है, कूड़े के पहाड़ को खत्ता कहा जाता है, और हाल ही में दो लोगों की डेथ हुई है। इस कूड़े का कुछ हिस्सा सड़क उसके दूसरी तरफ कुछ लोगों पे गिरा और उनकी डेथ हो गई। हमारे साथ मोहित हैं, वो बताएंगे वास्तव में इस इलाके की स्थिति क्या है। आप अभी भी अगर जूम करके देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं आप, धुआं निकल रहा है। यहाँ पे मीथेन गैस बनती है इस खत्ते के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। और यहाँ पर काफ़ी सारे रैग पिकर्स हैं जिनको अपनी दिनचर्या के लिए, डेली के लिए यहाँ पर खत्ते पे जाना पड़ता है। यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये लीगली तो स्टॉप हो चुका सन 2000 से। यहाँ पे देखिएगा आप, प्लांट ये बना हुआ है गैस का, इसकी वजह से काफ़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है। इसमें चिमनी में आप देख सकते हैं अब भी थोड़ा धुआं चल रहा है। ये रात के टाइम चलाते हैं ताकि लोग इसको देख ना पाएं। मैंने देखा कि यहाँ पे कूड़े का जो ढेर है वो, ये कल की जो घटना हुई है जिसमें दो लोगों की जाने का एक विस्फोट जो हुआ था वो उससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ ये यहाँ पर बहुत पुरानी समस्या ऐसा माना गया है कि इन जो जिनसे भी हमने बात की इनका जन्म भी उस टाइम नहीं हुआ जब से खत्ता है। जब से ये जो खत्ता जो आया है, इस खत्ते के आने से यहाँ पशुओं में और आदमियों में, बच्चों में, सब में यहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। मक्खी और मच्छर इतने हैं कि हम दवाई भी लगाते लगाते और मच्छर वच्छर की दवाई भी लगाते हुए परेशान हो जाते हैं। मैं यहाँ पे पिछले 22-25 साल से रह रहा हूँ और मैंने यहाँ पे हर डेवलपमेंट होता हुआ देखा है, और यहाँ पे सबसे बड़ी जो मेरे को प्रॉब्लम से है, यहाँ पे मैं जो फिटनेस से कुछ रिलेटिव हूँ और मेरी वाइफ आज के डेट में प्रेगनेंट है, मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे अपनी वाइफ को उनके मायके भेजना पड़ा। आज के डेट में अगर आप किसी भी और दिल्ली के किसी भी एरिया में जाएं तो लोग इस पर आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा वो कूड़े का ढेर। छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं, ये तो आप जिनके पास ज्यादा इनकम है वो लोग चले गए, अब जिनके पास नहीं है वो लोग रह रहे हैं मजबूरी में, क्या करें कहाँ जाएं। तो ये खत्ता यहाँ से उठना चाहिए।